सब गाइस स्वागत है आप लोग को और एक नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो में मैं टेस्ट करने वाला हूँ गॉड ऑफ वार गेम इन माय लो एंड लैपटॉप जो i3 8th जनरेशन और इंटेल G16 एक लैपटॉप है। इसमें मैं टेस्ट करने वाला हूँ गॉड ऑफ वार गेम और दिखाऊंगा कि आप लोग मुझे कितना पीस मिलता है। और गाइस अगर आपका मुझसे थोड़ा बेटर या लो स्पेसिफिकेशन वाला पीसी या लैपटॉप है तो आपको अपना स्पेसिफिकेशन कमेंट करना है। मैं कमेंट के रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि आपको कितने पीस मिल सकते हैं इन योर स्पेक्स इन दिस गेम। तो इस वीडियो को पूरा देखते हैं, चलिए इस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैं आप लोग को दिखाऊंगा है ग्राफिक सीरीज की, कौन से ग्राफिक सीरीज में मैं गेम को चला। तो रेजोल्यूशन 768 है बट वीसिंक मैंने ऑफ रखा है, मोशन ब्लर ऑफ है, फिल्म ग्रेन जो है ऑफ है, रेंडर स्केल को मैंने 80% पे रखा है। तो सिंपली अभी मैं जाऊँगा ग्राफिक सेटिंग्स पे, तो ग्राफिक सेटिंग्स पे सब कुछ मैंने लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स किया है, मतलब जितना लो हो सकता था। तो सिंपली 768 पे लोएस्ट पॉसिबल 80% रेजोल्यूशन स्केल में मैं इस गेम को टेस्ट करूँगा और दिखाऊंगा कि आप लोगों को मुझे कितने पैसे मिलता है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो मैं सीधा आ गया हूँ, फाइनली गेम डाउनलोड के बाद मैं सीधा गेम प्ले पे आ गया और FPS देखो 10 का FPS मिल रहा है। लिटरली गाइज जो FPS देखने के लिए मिल रहा है वो गाइज 10 का FPS है, जो मतलब एकदम ही मैं अनएक्सपेक्टेड तो ऑब्वियसली नहीं कहूँगा, क्योंकि इंटेल HD UHD पे हम इससे ज़्यादा जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन गॉड ऑफ वॉर टाइप गेम। और ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेक्टेड ही था कि मतलब मुझे तो एक्सपेक्ट था कि गेम चलेगा ही नहीं, उसके टाइप गेम चला और 10 FPS में चल रहा है, मुझे तो लगता है बहुत बड़ी बात है। और गाइस बात करूँ मैं इस गेम की ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, तो ऑप्टिमाइजेशन के बारे में मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि एक PS4 का गेम था जो बेसिकली PC के लिए लॉन्च हुआ है। काफ़ी PC में जो हाई एंड PCs होता है बेसिकली उनके लिए लॉन्च हुआ है और काफ़ी PC में अच्छा रन कर रहा है गेम, बट इन लो एंड PC ये जो है 10 का FPS आप लोग देख सकते हो दे रहा है, 10-11 का FPS नहीं कि अच्छा खासा मतलब FPS तो ऑब्वियसली नहीं है। और मैं आप लोग को सजेस्ट भी करूँगा कि इस FPS में गेम मत खेलो, इसमें ये आपका CPU जो है खा लेगा, मतलब ईट करेगा, CPU ईटर बोल सकते हो, और आपके लैपटॉप पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ सकता है। तो सिंपली मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करता। ऑप्टिमाइजेशन के दिख से हो सकता है ये अच्छा होगा, ऑप्टिमाइजेशन के दिख से काफ़ी लैपटॉप पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, Ryzen 3 में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, ऑप्टिमाइजेशन में भी गुड, बट इंटेल HD हमारे लिए उतना ज़्यादा जो है कोई मतलब उतना अच्छा खासा नहीं है। तो सिंपली मैं इस गेम को सजेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों को। अगर आपको मेरे जैसे सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाला PC या लैपटॉप है तो आपको भी सेम FPS देखने के लिए मिलेगा, बट अगर आप लोग रेजोल्यूशन स्केल वगैरह थोड़ा कम कर सकते हो तो आप लोगों को थोड़ा बेटर FPS मिल सकता है अराउंड 15। बट गाइस एक चीज़ जो देखने वाली बात है, गेम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप लोग देख सकते हो जो इसका बेटा है, इसका जो बॉडी है कभी कभार नहीं दिख रहा है, कभी कभार गेम फ्रीज हो रहा है, FPS ड्रॉप हो रहा है, कभी कभार स्टटर्स हो रहा है, कभी कभार गेम क्रैश हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिला है इन लो एंड PC। मुझे लगता है ये लो एंड PC का प्रॉब्लम है या फिर हर एक PC में ये प्रॉब्लम है। अभी देखो गेम हर बार जो है इस पोजीशन पे जब मैं जा रहा हूँ तब भी गेम जो है यहाँ पे फ्रीज हो रहा है, एंड एकदम ही फ्रीज हो रहा है, मतलब उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा है। इवन मैं जो ओल्ड ड्राइवर वर्जन यूज़ करता था उसमें गेम तो नहीं चलाता, तो मैंने लेटेस्ट ड्राइवर वर्जन यूज़ किया उसमें ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। मुझे पता नहीं ये क्यों देखने के लिए मिल रहा है गाइस, ये जो गेम फ्रीज का प्रॉब्लम है ये क्रैक में देखने के लिए मिल रहा है या फिर फॉर लो एंड PC जो है ये इसके लिए इसके थ्रू देखने के लिए मिल रहा है ये फ्रीज का प्रॉब्लम। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस गेम को डाउनलोड मत करो, वही मतलब आप लोगों के लिए अच्छा होगा, उससे मतलब आपका जो है देख सकते हो मतलब जो मेमोरी ले रहा है वो 2543.6 MB मतलब 2.5 GB के आसपास जो है ये मेमोरी ले रहा है, मतलब आप लोग समझ सकते हो काफ़ी ज़्यादा जो है मेमोरी हीट कर रहा है और CPU वगैरह भी काफ़ी हीट कर रहा है। तो ऑब्वियसली मैंने गेम को जो है एंटर्स कर दिया टास्क में जैसे, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा था कीबोर्ड में। तो ऑब्वियसली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डोंट डाउनलोड दिस गेम अगर आपका पास आपके पास इंटेल HD या फिर इंटेल मतलब अगर आपका चल भी गया कोई फ्रीज का प्रॉब्लम FPS ड्रॉप का प्रॉब्लम देखने के लिए ना भी मिला तो भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेजोल्यूशन स्केल बहुत कम करके भी आपको 20 FPS मिलेगा। बस फॉर मी दिस गेम इज़ नॉट प्लेबल, सो मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इस वीडियो, आज के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ, एंड चैनल बना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर देना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो गाइस मिलते हैं सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।